कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है भाई जो कि मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। एंड कभी भी किसी ब्रांड को आप हल्के मत लीजिए भाई, क्या पता कब उसका कोई महारथी आ जाए सामने। क्योंकि अभी हाल ही में आपने महिंद्रा का एक नया टीजर वीडियो देखा था, मतलब एक फ्यूचर वाली फीलिंग आ रही थी उसको देखकर, इतनी डिफरेंट गाड़ी लग रही थी मतलब भाई साहब वो। एंड अभी अभी हाल ही में ही टाटा का भी एक नया टीजर वीडियो आया है जिसमें वो अपनी किसी नई गाड़ी को अनवील करने वाले हैं। एंड 6 अप्रैल 2022 को इस गाड़ी का लाइव सेक्शन होगा। एंड 6 अप्रैल को हमें पता चलेगा कि ये गाड़ी कौन सी है एंड क्या बला है ये चीज। मतलब यार मैं सोच रहा हूँ हमारा फ्यूचर कहाँ पे जा रहा है। एंड भाई साहब ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है ये तो आप लोग जानते ही हैं, सो पहले आप लोग ये वीडियो पूरा देख लीजिए। Don't cross the line. Don't challenge the norms. Don't stand on the edge. You'll fall. But what if you do and you evolve and shape what lies ahead? What if you blur the edge and draw new possibilities? Go beyond and be more. Introducing a brand new electric SUV concept. Discover different. Coming soon. एंड टाटा ने इसमें कहा भी है डिस्कवर डिफरेंट कमिंग सून, तो भाई 6 तारीख को देखेंगे क्या आता है। एंड भाई साहब ये एक SUV है एंड हो सकता है भाई कि टाटा ब्लैक ब्रिड ही हो या फिर ये भी हो सकता है कि टाटा सीरिया हो। एंड आप लोग अब कहेंगे कि भाई पूरी जानकारी नहीं थी क्यों वीडियो बना दिया। एंड यार अभी जानकारी किसी को नहीं है, अभी बस एक टीजर वीडियो सामने आया है तो हम भाई क्या ही कह सकते हैं उसको देखकर। सो भाई ऐसे उल्टे पुल्टे कमेंट मत करिएगा, मैं प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूँ, टाटा सीरिया या टाटा ब्लैक ब्रिड या कोई और, ये क्या ही मशीन है अपने आप में। आप देख सकते हैं कि इसका जो साइड का ORBM है वहाँ से एक लंबी सी DRL निकली है एंड इसके पूरे बोनट से होते हुए पूरे इसके इस वाले ORBM तक जा रही है। एंड उसी के नीचे आपको ब्लू कलर की बड़ी मस्त दिखने वाली मूछे टाइप की ब्लू DRL भी इसमें मिल जाएगी जो कि आई थिंक सो ये चार्जिंग का बताएगी, मतलब ये जितना चलेगी इतनी गाड़ी चार्ज है। एंड नीचे आप इसकी फॉग लैम्प देख सकते हैं जो कि यार इसको देखकर मुझे थोड़ा मैथ की याद आ गई एंड मुझे मैथ से काफी नफरत है, इसके नीचे बना हुआ है लेकिन भाई काफी मस्त और काफी प्रीमियम लग रहा है ये। एंड ये एक SUV है, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप देख सकते हैं भाई इसके जो पीछे का ये लुक है यहाँ से साफ पता लगता है कि हमें ये एक SUV है। अब भाई आप लोग बताइए टाटा ब्लैक ग्रिड, टाटा सीरिया या कोई डिफरेंट कार। खैर गाइस क्या होता है ये तो हमें 6 तारीख को पता लगेगा, लेकिन आई होप कुछ अच्छा ही होना चाहिए जिससे हमें कोई निराशा ना हो। भाई इस चीज की किसी को भनक भी नहीं थी कि ऐसी कोई मशीन टाटा लॉन्च कर देगा। हाँ भाई इतना क्लियर था कि कोई गाड़ी आ रही है ब्लैक ग्रिड या सीरिया, ये सब क्लियर था इसलिए लोग वीडियो बना रहे थे बहुत सारे मेरी कैटेगरी के। लेकिन भाई ये नहीं पता था कि इतनी एडवांस मशीन सामने आ रही है जो कि आपके सामने है एंड आप देख सकते हैं। एंड भाई आज 2 तारीख को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, सो भाई 3 दिन और वेट करना पड़ेगा एंड आप पता नहीं ये वीडियो कब देख रहे हैं, लेकिन भाई देख के लग रहा है कि कुछ तगड़ी चीज आने वाली है जिससे हमें बहुत ही मजा आएगा। एंड भाई गाड़ी का भी कोई भी चीज रिवील नहीं हुई है, बस गाड़ी का भी टीजर वीडियो सामने आया है, बस डिस्कवर डिफरेंट। तो भाई देखते हैं कि 6 तारीख को कौन सी मशीन हमारे सामने आती है टाटा की। एंड भाई आप अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।